किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, अपने हालात बदलना सीखो। नमस्ते दोस्तों, माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी है। बाहर बरसात हो रही थी, अंदर सरकारी स्कूल में क्लास चल रही थी। टीचर ने पढ़ाते पढ़ाते सोचा कि क्यों ना बच्चों के साथ थोड़ी बातचीत की जाए, तो अपने पर्स में से 100 रुपए का नोट निकाला और सारे बच्चों को दिखाते हुए, पूरी क्लास को दिखाते हुए पूछा कि बच्चों बताओ, अगर आपको ये 100 रुपए मिल जाएं तो आप क्या करोगे, अपने लिए क्या लाओगे। तो एक बच्चे ने कहा मैं अपने लिए चॉकलेट्स लाऊंगा, किसी ने कहा टॉफी लाऊंगा, एक बच्चे ने कहा मैं गुड़िया लाऊंगी, किसी ने कहा मैं मिठाई लाऊंगा, किसी ने कहा टॉयज लाऊंगा, बहुत सारे खिलौने लाऊंगा। एक आखिरी बच्चा बचा था क्लास में जिसे जवाब देना था। वो अपनी सीट पर खड़ा हुआ और उसने कहा सर मैं अपनी माँ के लिए चश्मा लेकर के आऊंगा क्योंकि उनको कम दिखाई देता है। तो टीचर ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो आपके पापा ले आएंगे। क्लास के बाकी बच्चे हंसने लगे इस बात पर। बच्चा रुआ सा हो गया, उसने कहा कि पापा नहीं है ना, इसलिए मुझे लाना पड़ेगा। और माँ सिलाई का काम करती हैं, दिखाई कम देता है, घरों में जाती हैं, बर्तन मांजती हैं, साफ सफाई करती हैं, जैसे तैसे हमारा घर चलता है सर। अगर 100 रुपए मिल जाएंगे तो शायद चश्मा ले आऊं, माँ को थोड़ा ढंग से दिखाई देने लगे, उनकी आंखों पर जोर पड़ना कम हो जाए। टीचर इमोशनल हो गए, पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। टीचर गए जाकर के सर ने वो जो 100 रुपए का नोट था उस बच्चे को दिया और कहा कि बेटा ये मत सोचना कि मेरी तरफ से गिफ्ट है, ये 100 रुपए तुम्हें उधार दे रहा हूं। अभी तो जाओ जाकर के माँ के लिए चश्मा लेकर के आओ, लेकिन याद रखना जिस दिन बड़े आदमी बन जाओ, बहुत सारा नाम कमाओ, ये 100 रुपए का नोट मुझे लौटा देना, मेरे 100 रुपए तुम पर उधार रहे। लड़का बहुत मेहनत करता है, बहुत पढ़ाई करता है, 20 साल के बाद में इतिहास दोहराता है, वो सीन रिपीट होता है। बाहर बरसात हो रही है, अंदर सरकारी स्कूल में क्लास चल रही होती है, वो टीचर बुजुर्ग हो चुके हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को उसी तल्लीनता से। अचानक से आकर के स्कूल के बाहर एक गाड़ी रुकती है, उसमें से कलेक्टर साहब निकलते हैं, पूरा स्कूल अलर्ट पर आ जाता है, सारे टीचर चौकन्ने हो जाते हैं कि पता नहीं कौन सी क्लास में सर आएंगे। कलेक्टर साहब पूछते हैं एक टीचर का पता और सीधा उसी क्लास में जाते हैं जहां वो बुजुर्ग टीचर पढ़ा रहे होते हैं। विद ड्यू परमिशन क्लास में एंटर करते हैं और जाते ही कलेक्टर साहब बुजुर्ग टीचर को प्रणाम करते हैं, चरणों में सर झुकाते हैं और कहते हैं सर आपने पहचाना नहीं, मैं आज से 20 साल पुराना वही स्टूडेंट जो अपनी माँ के लिए चश्मा खरीदना चाहता था, आपने 100 रुपए उधार दिए थे, सबसे पहले तो आपको ये 100 रुपए वापस समर्पित करता हूँ और आपका सम्मान करना चाहता हूँ। आपने मुझे जीने की ललक सिखाई, आपने मुझे बताया कि सब कुछ अचीव किया जा सकता है अगर हम सही दिशा में दौड़ें। बहुत छोटी सी कहानी जिसका सार ये कहता है कि अगर आप अपने हालातों को बदलना चाहते हैं तो मजबूरियों को कोसना बंद कीजिए, वक्त को बदलना शुरू कीजिए, क्योंकि इंसान के अंदर वो ताकत है कि वो उठना चाहे तो देवताओं से ऊपर उठ सकता है और गिरना चाहे तो असुरों से नीचे गिर सकता है। इसलिए उठिए और अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए मेहनत करना शुरू कीजिए। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। देखते रहिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ एक नई कहानी और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो। अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो माय एफएम सुन रहे हैं, चलो अच्छा सुनते हैं।